हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं गोरिल्ला पॉड, जोबी का गोरिल्ला पॉड 1K किट का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये और इसका स्टिकर यहाँ पर। सो मेरे पास पहले, मैं जैसे कि GoPro Hero 7 से ब्लॉगिंग करता था, सो उसके लिए मुझे किसी भी गोरिल्ला पॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी जो मैंने कैनन का 800D लिया है, सो उसके लिए मुझे जो है गोरिल्ला पॉड की ज़रूरत पड़ी और मैंने सोचा कि ले लेता हूँ। तो रिसर्च करने के बाद मुझे ये बेस्ट लगा, क्योंकि ये 1K किट है, मीन्स 1 किलो तक भार ही जो है सह लेता है। सो कैमरा ऑलमोस्ट 1 किलो का ही है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा हैवी कैमरा है तो आई सजेस्ट कि आप 3K किट या 5K किट लें, जो कि 3 किलो या 5 किलो तक लोड ले सकता है। सो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और रिव्यू भी करते हैं। सो पहले मिलता हमको ये स्टैंड, जो कि शायद सेफ्टी के लिए रखा होगा इसके टिप पे। और उसके बाद यह है हमारा गोरिल्ला पॉड। इसके साथ एक कार्ड मिलता है, और यह हमारा जोबी का गोरिल्ला पॉड। टेस्टिंग करेंगे हम, बेंड कर सकते हैं इसको किसी भी एंगल में। और इसका ग्रिप जो है प्लास्टिक की ग्रिप है, काफ़ी मजबूत है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका प्लेसमेंट जो आप करेंगे नीचे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, शायद काफ़ी मजबूत है और स्टिकी भी नहीं है और ना स्लिपरी होने का डर है इसमें। और इसके साथ ही साथ हमारा ये टॉप का है, ये आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये 90 डिग्री में भी आप कैमरा यूँ कर सकते हैं ब्लॉगिंग टूवर्ड्स आउटसाइड, या फिर इनसाइड आप अपनी तरफ फेस कर सकते हैं। सो एक अच्छा गोरिल्ला पॉड है लाइट वेट कैमरा के लिए। अगर आपका कैमरा थोड़ा हैवी है तो आप 3K या 5K ले सकते हैं। गोरिल्ला पॉड आपको वैसे बहुत मिल जाएगी, लेकिन जो जो भी का है वो थोड़ा महंगा मिलता है, क्योंकि ये ब्रांडेड है। और इसका 1K का 1K किट का प्राइस लगभग आपको 2.5 से 3 हज़ार में मिल जाएगा आपको आराम से। और आपको सस्ता चाहिए तो आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को। और इसको स्टैंड 1 किलो तक का ही भार सह सकता है किसी भी कंडीशन में, और स्लिपरी भी नहीं। तो अभी मैं जो ये कैमरा इस पर माउंट करके दिखाऊंगा आपको, और आप देख के बताइएगा कैसा है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये माउंट कर दिया कैमरे के ऊपर, कैमरा इसके ऊपर। सो देखिए काफ़ी स्टडी है और काफ़ी मजबूत है, हिल भी नहीं रहा है। सो आप इससे जो है टाइम लैप्स या फिर कोई भी शॉट ले सकते हैं स्टेशनरी करके, और काफ़ी मजबूत भी है ये। देखिए कैमरा कुछ हिल भी नहीं रहा है और एकदम सेफ भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लॉक कर दिया मैंने इसको यहाँ पर, और ये कैमरा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है कैमरा गोरिल्ला पॉड के ऊपर माउंट करके और खिड़की पे रख दिया है। सो आप जैसे अनइवन सरफेस, जहाँ पर आपको लगता है कि ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ जगह, वहाँ पर आपको शूटिंग करना है, तो आप ऐसे एडजस्ट करके इसको रख सकते हैं और शूटिंग कर सकते हैं आराम से। सो गाइस, अभी मैं जो रिकॉर्डिंग जो है ये गोरिल्ला पॉड पे अपना कैमरा माउंट करके कर रहा हूँ। सो काफ़ी स्टेबल है। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ना करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।